हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है पिंकी आर्या और अभी मैं अपना सर धो के आई हूँ, नहा धो के आई हूँ, उसके बाद मैं बैठ गई हूँ। आपको मेरे फेस पर हल्की फुल्की स्वेलिंग दिख सकती है, जस्ट बिकॉज ऑफ मैं वापस से बीमार हो गई हूँ। मुझे फीवर और ये सब हुआ है, और जब भी मैं एलोपैथिक मेडिसिन लेती हूँ तो वो एज अ रिएक्शन के तौर पर मेरे फेस पर ये देखा जा सकता है। एकदम गुब्बारा बन जाती हूँ मैं और मेरे को बहुत ज़्यादा ब्रेकआउट हो जाते हैं। तो प्लीज़ ऐसे कमेंट मत कीजिएगा कि आप मोटी लग रही हो, ये लग रही हो, सूट वूट सब फिट है, बस फेस की वजह से और ये जो नेक है मेरा यहाँ पर पूरा स्वेलिंग हो जाता है। तो आज मैं बात करने वाली हूँ ट्रेटिनोइन क्रीम की, जो कि है रेटिनो ए मेरे पास। और ये क्रीम मेरा भाई बहुत टाइम से यूज कर रहा था, तकरीबन 8 महीने से यूज कर रहा है, क्योंकि उसको सीवियर केस का एक्ने है, बहुत ही ज्यादा एक्ने है उसके फेस पर, और जो गड्ढे हो जाते हैं ना, गड्ढे गड्ढे हो जाते हैं आपके फेस पर, उसको उस तरीके के एक्ने हैं। तो रिसेंटली ही 1 महीने से मैं इसके ऊपर यू नो देख रही हूँ कि क्या कुछ है। तो मैंने देखा है कि, मैं डॉक्टर्स की बात नहीं कर रही, जिन भी डॉक्टर ने वीडियो बना रखा है, बट जैसे हम लोग जैसे कोई यूट्यूबर हैं, उन्होंने जो वीडियो बना रखी है इसके बारे में, मेरे को लगता नहीं कि वो ठीक बना रखी है। और इसी वजह से मैं अपने भाई के पास से उठा के लेके आई, मेरे को लगा कि मैं बिल्कुल इसके बारे में वीडियो बनाऊंगी और आप लोग साथ सही जानकारी शेयर करूंगी। तो सबसे पहले मैं बात कर लेती हूँ रेटिनो ए की। ये आपको 3 कॉम्पोजिशन में मिलेगा, सॉरी परसेंटेज में मिलेगा। पहले तो मिलेगा 0.025, 0.05 और 0.01%, ठीक है। तो सबसे नीचे से स्टार्ट करना चाहिए, ऐसा डॉक्टर बोलते हैं। थोड़ा सा बैकग्राउंड जानते हैं इस क्रीम के बारे में। तो जो ट्रेटिनोइन है या रेटिनो ए जिसको आप बोलते हैं, वो ब्लड कैंसर के लिए यूज किया जाने वाला ट्रीटमेंट है। और इससे जब वो ब्लड कैंसर पर ये ट्रीटमेंट चलता है, ऑरली इनको दिया जाता है, तो देखने को मिला था कि पिंपल्स भी बहुत ज्यादा जा रहे थे, जस्ट बिकॉज ऑफ ये डेरिवेटिव है विटामिन ए का। तो कुछ लोग इससे ये भी कहते हैं कि ये झुर्रियां को जो होती है, जो फाइन लाइन्स और रिंकल्स हमारे चेहरे पर आ जाता है, उसको भी खत्म करता है, जस्ट बिकॉज ऑफ, क्योंकि ये विटामिन ई का डेरिवेटिव है। इसके अंदर फुल ऑफ विटामिन ए, ये फुल ऑफ विटामिन ए है, ये विटामिन ए का डेरिवेटिव है, तो इस वजह से ये रिंकल्स को भी खत्म करता है। अब बात करते हैं डॉक्टर इसको कब प्रिस्क्राइब करते हैं। जब आप 1-2 पिंपल्स के ऊपर आप बेंजोइल पेरोक्साइड ही लगाओगे, ऐसा नहीं कि आप वहां पर अगर आपको 1-2 पिंपल होना स्टार्ट हो, जैसे मुझे 1 पिंपल हो गया तो मैं इसके ऊपर रेटिनो ए लगाना स्टार्ट कर दूंगी, ऐसा नहीं होता। अगर आपको बहुत ज्यादा एक्ने है और वो वल्गैरस में कन्वर्ट हो गया है, जैसे कि मैंने अपने भाई के बारे में बताया, उसको गड्ढे हैं और उसको बहुत ही गंदी तरीके से एक्ने है, लाइक छोटे 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 दाने हो जाते हैं और वो गड्ढे गड्ढे गड्ढे, और हमेशा ये रेडनेस बनी रहती है ना माथे पर, नाक के आसपास, गाल पर, किसी को चिन पर, किसी को गर्दन तक भी जाती है, तो उसको एक्ने वल्गैरस बोलते हैं। उसके अंदर ये बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट होता है। जब आपके पास सारे ट्रीटमेंट फेल हो जाते हैं, लाइक बेंजोइल पेरोक्साइड, सैलिसिलिक एसिड और बहुत सारे यू नो जो एक्ने के ट्रीटमेंट्स होते हैं वो फेल हो जाते हैं, देन डॉक्टर आपको रेटिनो ए प्रिस्क्राइब करता है। तो जब इसको स्टार्ट करना होता है तो बहुत ही कम अमाउंट में स्टार्ट करना होता है, लाइक 0.025 से स्टार्ट करने के लिए देते हैं डॉक्टर आपको, एंड देन फिर आपको धीरे धीरे इसको बढ़ाना होता है। वो डॉक्टर ये आपको बताएंगे कि कैसे बढ़ाना होता है। ये जो क्रीम है ये सेल्फ मेडिकेटेड क्रीम नहीं है कि आप इसको ओवर द काउंटर उठा के लेके आए और आप इसको खरीद ले, लगाना स्टार्ट कर दे, ऐसा नहीं है। इसके लिए आपको डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन जरूरी है बहुत ज्यादा। मेरे पास जो है वो है 0.05% का रेटिनोई। ये कुछ इस तरीके का आता है, जॉनसन एंड जॉनसन की जो सिस्टर कंसर्न है वो वो इसको बनाते हैं, यहीं पे लिखा होगा, जॉनसन एंड जॉनसन प्राइवेट लिमिटेड वही इसको बनाते हैं। और ये अपने यहां पर मुझे देखने को मिला नहीं है 0.01% जो कि जेल बेस में आता है, ये क्रीम बेस है जो कि ड्राई स्किन वाले यूज कर सकते हैं आराम से। अब बात करते हैं जब आप इसको फर्स्ट टाइम स्टार्ट करते हैं यूज, लाइक आपको एक्ने वगैरह से या एक्ने बहुत ज्यादा है तो आपको डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया, क्योंकि बहुत सारे ऐसे नीचे कमेंट थे कि मेरे को डॉक्टर ने ट्रेटिनोइन प्रिस्क्राइब किया, मैं बहुत डरी हुई हूं। तो डरो मत, डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है तो आपको बहुत ही इतनी सी अमाउंट, मैं डेफिनेटली इसको खोलूंगी नहीं क्योंकि मेरे किस काम का नहीं, निकलना वापस वापस जाता नहीं है इस ट्यूब से।
तो व्हाइट कलर की, एक पर्ल व्हाइट कलर की इसके अंदर क्रीम होती है जिसकी स्मेल एकदम गंदी सी होगी, क्योंकि ये मेडिसिन है तो डेफिनेटली इसके अंदर आप परफ्यूम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो. क्या करना होता है, आपको थोड़ा सा अमाउंट लेना होता है, बिल्कुल पी साइज से भी थोड़ा कम अमाउंट लेना होता है, और डायरेक्टली अपने पिंपल्स के या फिर जो एक्ने का एरिया है वहां पर आप लोगों को लगा लेना होता है. एंड देन ओवरनाइट इसको छोड़ना होता है और सुबह में किसी भी माइल्ड फेस वॉश से अपने फेस को धो लेना होता है. सबसे पहले इसको जब स्टार्ट करते हैं तो डॉक्टर बोलते हैं कि हफ्ते में सिर्फ दो बार इसको लगाना है, वो आप टाइम डिसाइड कर लो, आपको संडे या बृहस्पतिवार को लगाना है, यू नो थर्सडे को लगाना है, या मंडे टू इसके लगाना है, ऐसे ऐसे आप खुद डिसाइड कर सकते हो. हफ्ते में दो बार, फिर ग्रेजुअली इसको बढ़ाएं, आप तीन बार कर दे, फिर चार बार कर दे, देन फिर आप इसको डेली के अंदर यूज करते हैं, क्योंकि ये बहुत ही स्ट्रांग मेडिसिन है. तो इसको एकदम से आप यूज करेंगे तो आपको एक्सेसिव पीलिंग होना स्टार्ट हो जाएगी. तो जो भी लोग इसको लगा रहे हैं उन्होंने देखा होगा कि ये पीलिंग कर देता है चेहरे की जो ऊपर वाली जो सतह होती है उसको, ये यू नो स्क्रब आउट करता रहता है, सारी डेड स्किन सेल्स निकालता रहता है, और इस तरीके से ये एक्ने को ठीक करता है. दूसरी बात, जब इस चीज को आप लगाते हैं तो आपको अचानक से ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है, उस चीज से आप घबराइएगा मत. जो भी आपके जो पिंपल्स या फिर जो भी एक्ने आपका अंदर दबा हुआ रह जाता था, या आपने कभी बेंजल पेरोक्साइड यूज किया तो आपने उसको दबा दिया था, तो इसको यूज करने के बाद तो दोबारा उभर आएगा और वो इसके ही रेगुलर यूज से चला जाएगा. तो बिल्कुल घबराकर इसको छोड़ना नहीं है, आप इसको रेगुलर यूज करते रहिए. अब जब आपको एक्सेसिव पीलिंग हो जाती है तो उससे भी नहीं डरना है, आपको एक रफ टावल लेना है और उसको हल्का सा रगड़ते हुए साफ कर लीजिए. स्क्रबिंग अलाउड नहीं होती, मैंने बताया, हल्का टावल, माइक्रोफाइबर टावल लेके उसको ऐसे ऐसे हल्का हल्का रगड़ ले, बस उसी से आपका काम चल जाएगा. और जब इसको आप लंबे टाइम तक यूज करते हैं, तकरीबन एक से डेढ़ साल तक ये क्रीम आपको यूज करनी होती है, तो देखा जाता है कि जो आपकी झुर्रियां होती है वो भी कम हो जाती है, रिंकल्स जो होते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ यू, क्योंकि इसके अंदर विटामिन ए, फुल ऑफ विटामिन ए है ये, तो ये आपके रिंकल्स को कम कर देता है. बट इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने आंखों के आसपास की झुर्रियों के ऊपर इसको लगाना स्टार्ट कर दे. जब भी आप इस तरह की कोई कॉन्सेंट्रेट चीज लगाते हैं तो आप, जैसे कि आपने यहां पर लगाया इसको, तो ये फैलता हुआ यहां तक बिल्कुल जाएगा, तो यहां पर लगाने का कोई तुक नहीं बैठ रहा होता. आप आईब्रोज के पास इसको लगाते हैं तो ये फैलता हुआ यहां तक आता है, यानी अपने आप ही ये गर्मी से फैलता है तो ये नीचे तक जाता है, तो इसका कोई तुक नहीं बनता कि आप एकदम रगड़ रगड़ के लगाएं. हाँ, एक चीज और है कि इस क्रीम को कभी भी आपको रगड़ के क्रीम मसाज की तरह नहीं लगानी होती है, वेरी वेरी सेंसिटिव क्रीम है ये, तो आपको बस ऐसे डैब करते हुए लगानी होती है ये क्रीम. अब क्या प्रिकॉशन ध्यान में रखने होते हैं जब आप इस क्रीम को लगाते हैं, तो सनस्क्रीन मस्ट है, SPF 30 आपको लेना ही लेना है, और हर दो घंटे बाद आपको रीअप्लाई करना पड़ता है. डायरेक्टली सन के अंदर जाना आपको रोक दिया जाता है, अगर आप जा भी रहे हैं तो कोई शेडी से एरिया में रुके या वहां पर खड़े रहें, डायरेक्टली हीट आपके ऊपर नहीं आ रही हो, कपड़ा लेके चले, सनग्लासेस पहन के चले, ये सारी चीजें आपको देखनी पड़ेगी, क्योंकि जब आपकी स्किन पील हो रही होती है तो एक साफ सॉफ्ट सेंसिटिव स्किन बाहर आ रही होती है, तो वो एकदम से अगर सन के एक्सपोजर में आएगी तो वो बर्न हो जाएगी, काली हो जाएगी. जिनको भी हाइपरपिगमेंटेशन है उनको इतना कुछ देखने को नहीं मिलता, और खास करके बात मैं ये बता दूं, ये गोरा होने वाली क्रीम नहीं है, तो कहीं आप हाइड्रोक्विनोन की तरह इसको समझिए कि आप इसको लगा के गोरे हो जाएंगे, तो ये आपके लिए नहीं है, इससे आप दूर रहिए. ट्रेटिनोइन सिर्फ और सिर्फ पिंपल्स, एक्ने, एक्ने वल्गैरस के लिए यूज किया जाता है. हाँ, ये झुर्रियों के लिए यूज किया जा सकता है, अगर आपको स्माइल लाइन है वहां पर बहुत ज्यादा झुर्रियां हैं तो आप इसको हल्का सा लगा लीजिए. आपकी एज 25-26 है और आपको देखने को मिल रहा है, आप क्रॉस फिट पर इसको नहीं लगा सकते, लेकिन आप यहां पर लगाया है आपने तो वो फैलता हुआ यहां तक जाएगा ही, तो ये डेफिनेटली आप झुर्रियों के लिए भी यूज कर सकते हैं. मैंने बहुत सारे ऐसी वीडियोस देखी है, जो इंडियन वीडियोस है, जो कि मैं चैनल का नाम नहीं लूंगी, वो बोल रहे हैं कि देखिए फ्रेंड्स, इसको लगाने से आप गोरे हो जाएंगे, लेकिन जब आप इसको छोड़ देते हैं तो आपका गोरापन चला जाता है. जी नहीं, ये गोरा होने के लिए तो क्रीम है नहीं. फर्स्ट ऑफ ऑल, जब आप लगाते हैं तो आपकी हल्की फुल्की स्किन पील हो रही होती है, तो डेफिनेटली आपको एक लाइटर कॉम्प्लेक्शन देखने को मिलेगा, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप इसको छोड़ देंगे तो आप काले हो जाएंगे या उससे भी ज्यादा काले हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता. ये पिंपल्स को ठीक करता है, देन आपकी स्किन के अंदर एक अच्छा खासा ग्लो लेके आता है, झुर्रियों को कम कर रहा होता है, और आप अपने सनस्क्रीन और यू नो अपना जो मेंटेनेंस है वो लगातार बना के रखेंगे तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है. तो इस तरीके की गलतफहमियों में भी ना रहे, मैंने देखा है, इसी वजह से मैंने ये वीडियो बनाई है, कि मेरे पास ज्यादा कमेंट तो नहीं, बट तकरीबन 10 या 12 कमेंट ऐसे थे कि डॉक्टर ने मुझे ट्रेटिनोइन प्रिस्क्राइब किया है, मैंने कुछ वीडियोस देखी है और अब मैं डरी हुई हूं. तो ऐसा ना करें, आप डरे मत, ट्रेटिनोइन पूरी तरह से सेफ है,
और डॉक्टर आप डॉक्टर की निगरानी में आप रखेंगे तो वो आपको बताएंगे कि आपको कैसे डायरेक्टली 0.1 पर ना जाएं, बहुत ही कम से स्टार्ट करें, क्योंकि वो एक्सेसिव पीलिंग कर देगा या बहुत ही ज्यादा ब्रेकआउट कर देगा आपको, यू नो एकदम से वो पूरा पील करेगा तो एकदम से आपको ब्रेकआउट दे देगा, तो ऐसा भी ना करें, डॉक्टर के प्रिस्क्राइब से करें। ये एकदम सेफ मेडिकेशन है, लेकिन आप सेल्फ मेडिकेशन नहीं कर सकते। सेफ है इसका मतलब ये नहीं कि आप उठा के ओवर द काउंटर ले लें और लगाना स्टार्ट कर दें, ऐसा नहीं करना है आप लोगों को। और जिनको भी बहुत ही ज्यादा एक्ने है, ठीक नहीं हो रहे हैं, वो डेफिनेटली इसको ट्राई कर सकते हैं। आप अपने डॉक्टर से पूछिए कि आपको लगाना है नहीं लगाना है, और जिनको भी डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है आप उसको लगा सकते हैं। आई थिंक मैंने सारे पॉइंट कवर कर लिए हैं कि क्या प्रिकॉशन है, कैसे इसको लगाना होता है। और एक चीज और खासकर बात मैं अभी अभी मेरे को ध्यान में आया कि जब आप इसको लगा रहे हैं तो आपको बेंजोइल पेरोक्साइड नहीं लगाना है, बिल्कुल भी बिल्कुल आपको बेंजोइल पेरोक्साइड नहीं लगाना है, सैलिसिलिक एसिड नहीं लगाना है, ऐसे किसी भी तरीके के फेस वॉश आपको यूज नहीं करने हैं, सल्फर आपको यूज नहीं करना है। अगर आप कोई सोप यूज कर रहे हैं तो आप उसको छोड़ दें। एक माइल्ड क्लिंजर, आप ड्रग स्टोर या किसी भी तरीके का माइल्ड क्लिंजर ले सकते हैं, कहीं से भी ले सकते हैं, मेरा मतलब ये था। माइल्ड क्लिंजर ले लीजिए, उसी से आप यू नो वॉश कीजिए अपना फेस। और इसके साथ आपको कोई हेयर कलर या हेयर डाई यूज नहीं करनी, क्योंकि उसके रिएक्शन में आपको देखने को मिल सकता है कि ये रिएक्ट कर जाता है। आप अपना मॉइस्चराइजर देखिए, उसमें सैलिसिलिक एसिड नहीं होना चाहिए, उसमें बेंजोइल पेरोक्साइड नहीं होना चाहिए, आप दो चीजें एक साथ यूज नहीं कर सकते, ये रिएक्ट कर जाता है उसके साथ, ठीक है। तो ये एक प्रिकॉशन आपको ध्यान में रखना है कि अगर आप बेंजोइल पेरोक्साइड यूज कर रहे हैं तो आप रेटिन यूज नहीं कर सकते हैं, अगर आप रेटिन यूज कर रहे हैं तो आप बेंजोइल पेरोक्साइड यूज नहीं कर सकते हैं, कुछ कुछ हो गया, बट ठीक है आप समझ तो गए होंगे। तो ये था मेरा पूरा वीडियो, अगर आपको पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए खुश रहिए, जय हिंद, बाय बाय।